भारत सरकार को ये आगाह करते हैं कि वो ये ना समझें कि हम लोग, हम बुद्धिस्ट, हम शोषित, हम दलित, हम बहुजन निवासी, बहुजन यहाँ के 200-300 साल पुराने हैं, ऐसा ना समझें, ऐसी गलत फहमी ना रहें। ये आपका आंदोलन, अगर वो आतंकवादी, वो देशद्रोही, मैं देशद्रोही कहूँगा उनको, वो देशद्रोही पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी नहीं पकड़े गए तो हम, वो समय दूर नहीं है कि हम इस आंदोलन का प्रदर्शन के लिए दिल्ली से ही शुरू करेंगे, महाराष्ट्र भवन से शुरू करेंगे, फिर ये दोष महाराष्ट्र सरकार पर होगा, महाराष्ट्र की पुलिस पर होगा। देखिए, जिस भवन में वर्तमान में हमारे प्रकाश राव अम्बेडकर जी रहते हैं, जिस भवन में पूर्व बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मीराताई जी रहती हैं, उनका पूरा परिवार रहता है, उन सब के होते हुए भी सभी को जय भीम नमोदय। आज बहुत ही दुखद समाचार हमें मिला है, जिसके लिए बहुत हम आहत हैं, और जिनको भी ये समाचार मिल रहा है वो सभी लोग दुखी हैं। कारण दुख का सबसे बड़ा ये है कि आज तक दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे हैं, दलितों को मारा गिराया जाता रहा है, दलितों की हत्याएं की जाती हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद इतना अधिक स्तर पर पहुंच चुका है कि पहले तो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जैसे कल परसों का केस भी है, अभी कभी उनका बाबा साहब के हाथ तोड़ दिया जाता था, कभी उसकी मूर्ति गिरा दी जाता था, लेकिन ब्राह्मणवाद इतना आज तक बढ़ गया है इस सरकार के अंतर्गत कि जो बाबा साहब का राजगृह रहने का मकान था उसमें भी कुछ गुंडों ने तोड़फोड़ की है, जो बहुत ही अशोभनीय है। और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम इसका घोर विरोध करते हैं। और सबसे चिंताजनक विषय ये है कि बहुत लंबा समय गुजरने के बाद भी आज तक किसी भी पुलिस ने किसी भी गुंडे को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी तोड़फोड़ करने वाले को, किसी भी आरएसएस को, किसी बीजेपी वाले किसी कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम सभी किसी भी वैचारिक आतंकवादी को, हाँ, तो हम इसे आतंकवादी कहेंगे, अत्याचारी कहेंगे, या कह के क्या कहेंगे, क्या हम इसको संज्ञा दें? हम इसको संज्ञा देंगे कि जो बिना किसी कानून के डर के जो कार्य करता है वो हम उसे आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। हम देखते हैं कि जो हिंदुत्व है वो शंभुक ऋषि से लेकर एकलव्य से लेकर आतंकवाद का काम आज तक करता आ रहा है, और आज भी जो सबसे बड़ा दुख है जो उन्होंने आतंकवाद का काम किया है वो बाबा साहब के राजगृह में तोड़फोड़ का काम किया है। अभी राजतन जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्य में उन्होंने फिर भी संयम बरतने के लिए कहा है कि आप दंगा ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम पर दोष लगे, बाबा साहब पर दोष लगे। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अत्याचार हमारे हम पर फैल रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमारे को सुनने वाला नहीं है। अगर किसी मंत्री की भैंस खो जाती है तो उस भैंस खुलने के लिए, ढूंढने के लिए सारा मंत्रालय लग जाता है, और अगर किसी घर किसी मंत्री के रिश्तेदार का पर्स छूट जाता है, पर्स को छीन लेता है, तो उसके लिए सारी फोर्स लग जाती है। और आज इतना बड़ा काम जो विश्व रत्न की उपाधि जो हम देते हैं, अभी आपको नया ज्ञान मैं आपको बता देता हूँ कि पुतिन जो राष्ट्रपति हैं ब्रिटेन के, उन्होंने भी अपने ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कार्यालय में अपने फ़ोटो लगाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। जो पुराने राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उन्होंने भी बाबा साहब को सूर्य की संज्ञा दी कि अगर हम हमारे देश में पैदा होते तो हम इन्हें सूर्य कहते। अब जो ट्रंप हैं, उन्होंने भी 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति को नमन किया है। लेकिन भारत की स्थिति देखिए, भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति अभी तक भी शूद्र की स्थिति है। वो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं, हिंदुस्तान इसको बनाना चाहते हैं, और वही हमारे शूद्रों की वही आर्थिक स्थिति, वही सामाजिक राजनीतिक स्थिति लाना चाहते हैं। वे भी हमारे जो लोग हैं अभी वो मंदिरों में जाते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, उन हिंदुओं के देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आती कि जो लोग हमारे बुज़ुर्गों को मारा, जिन्होंने हमारे बुज़ुर्गों की हत्याएं की, आज वो हमारी हत्या कर रहे हैं, आज वो हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके मंदिरों में जाते हैं, उनकी पार्टियों में जाते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि जिसको हम रामविलास पासवान जो मंत्री बैठे हुए हैं, अठावले मिस्टर मंत्री बैठे हुए हैं, या उदित राज जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, आज तक अभी तक उनका तीनों का भी कोई स्टेटमेंट बाबा साहब के ग्रह राजगृह को विनाश करने में, तोड़ने में या नुकसान पहुंचाने में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अठावले को तो बिल्कुल ही शर्म आती है कि उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। ऐसे नेताओं का क्या करेंगे, ऐसे नेताओं क्या करेंगे, क्या वो हमारा भला करेंगे? वो केवल भला करेंगे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बैठे हुए हैं, अपने बीजेपी के गुलाम बने बैठे हैं। हम सभी बौद्ध अनुयायियों को एकत्रित होना है, सब अपने अपने व्हाट्सएप पर डालें, सब सूचना दें, अपने अपने लेटर पैड पर लिखकर प्रधानमंत्री को सूचना दें कि जल्दी से जल्दी उसको जो हमारे आतंकवादी हैं, जिन्होंने हमारे बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के राजनिवास में तोड़ाफोड़ी की है, उसको उनको जो कार्य करने वाले अत्याचारी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको जेल भिजवाया जाए, उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए जिससे उनको सबक मिल सके। तो मैं इसी शब्दों के साथ उन्हें आपसे निवेदन करता हूँ कि ये हमारा देश जो भारत है, भारत रहेगा। हमें सभी लोगों को एकत्रित होकर के इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अभी आपको मालूम है अयोध्या कांड में, अयोध्या में कोई राम मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या में बैठ करके फिर भी वहाँ पर जो है दिक्कत होती है और वहाँ मूर्तियाँ निकलती हैं और वहाँ राम मंदिर की प्रथा चलाई जा रही है। राम मंदिर को उसको शंकर के शिवलिंग को बता दिया जाता है और वहाँ जो बुद्ध विहार है उसके स्तूप निकल रहे हैं, उसकी प्रतिमाएं निकल रही हैं। ये हमारा देश है, क्या होगा हमारे देश में? ये चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, हम इस देश को ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाएं, और जब तक हम ब्राह्मणवाद को समाप्त नहीं करेंगे अंबेडकरवाद नहीं आएगा। वैसे तो हम बाबा साहब के नारे देते हैं, बाबा साहब को जिंदाबाद का नारे देते हैं, जिंदाबाद लगाते हैं, लेकिन वैसे दूसरी तरफ हम अपने घरों में वही व्यवस्था चलाते हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये दोनों तरफ चलने वाला नहीं है। सब लोगों को पता है, ब्रह्मांड को पता है कि हमारे आधे ज्यादा जनसंख्या वो अंबेडकरवादी नाम लेती है लेकिन वहाँ जाएगी नहीं, वो ब्राह्मणवाद को छोड़ेगी नहीं, इसलिए हम पर हावी हैं। अगर हम वास्तव में बाबा साहब को चाहते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अंबेडकरवाद लाना चाहते हैं, तो हमें ब्राह्मणवाद को समाप्त करना होगा, तभी हम अंबेडकरवाद ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।